हे एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पार्ट टू। इस वीडियो में हम एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कंक्लूजन, इन सारी टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट वन वीडियो को देखिए और ज्यादा क्लैरिटी के लिए एनुअल रिपोर्ट को डिस्क्रिप्शन में से जाकर डाउनलोड कीजिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। लास्ट वीडियो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेवेन्यू साइड को डिटेल में समझा था। चलिए अब एक्सपेंस को समझते हैं। एक्सपेंसेस आमतौर पर उनके फंक्शन के अनुसार क्लासिफाइड होते हैं, चाहे एक्सपेंस के नेचर के आधार पर, जिन्हें कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड भी कहते हैं। एक एक्सपेंसेस का एनालिसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहे नोट्स में जरूर दिखाया जाना चाहिए। जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट में देख सकते हैं, लगभग हर एक लाइन आइटम के साथ एक नोट दिया हुआ है। एक्सपेंस साइड पर फर्स्ट लाइन आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। यह हमेशा रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है जो कंपनी को माल तैयार करने के लिए लगता है। जैसे कि आप रॉ मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट देख सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए कंपनी द्वारा किए गए सबसे बड़े खर्च हैं। यह एक्सपेंस ₹2,101 करोड़ हुआ है फ�h फाइनेंशियल 2014 और ₹1,760 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल 2013। इस एक्सपेंस का डिटेल नोट 19 में दिया हुआ है, चलिए उसे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नोट 19 मटेरियल कंज्यूम का हमें डिटेल दे रहा है। कंपनी ने लीड, लीड अलॉय, सेपरेटर्स और अदर आइटम यूज किए हैं, जिसे जोड़कर टोटल खर्च ₹2,101 करोड़ हुआ है। अगला दो लाइन आइटम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री या फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस एंड स्टॉक इन ट्रेड के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों लाइन आइटम एक ही नोट से जुड़े हुए, नोट 20। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड सभी फिनिश गुड की खरीद को रेफर करता है जो कंपनी अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए खरीदती है। यह ₹211 करोड़ है। मैं जल्दी आपको इस लाइन आइटम पर ज्यादा क्लैरिटी दूंगा। चेंज इन इन्वेंट्री या फिनिश गुड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रेफर करता है जो कंपनी द्वारा पास्ट में खर्च किए गए हैं, लेकिन जो माल पास्ट में मैन्युफैक्चर हुआ है वो प्रेजेंट में सेल किए गए हैं करेंट फाइनेंशियल में। यह फाइनेंशियल 2014 का ₹29.2 करोड़ है। एक नेगेटिव नंबर इंडिकेट करता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल 2014 में अधिक बैटरी तैयार किए सेल करने की अपेक्षा। एक अनुपात का भावना देने के लिए इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंपनी करेंट ईयर कॉस्ट से एक्स्ट्रा गुड मैन्युफैक्चरिंग में किए गए लागत को घटा देती है। जब कभी फ्यूचर में इन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बेचने में सक्षम होती है तो कंपनी इस लागत को जोड़ देती है। यह कॉस्ट जब कंपनी बाद में जोड़ेगी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लाइन आइटम में शामिल होगा। यहाँ पे नोट 20 का एक्सट्रैक्ट है जो ऊपर के दो लाइन आइटम्स को डिटेल करता है। जो डिटेल इस एक्सट्रैक्ट में मेंशन है वो काफी सरल है और समझने में आसान है। इस स्टेज पे यह शायद जरूरी नहीं है कि हम इस नोट को गहराई में जाने, हमें बस यह जानना जरूरी था कि ग्रांड टोटल कहां से आ रहा है। एक्सपेंस साइड पर अगला लाइन आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यह काफी सहज ज्ञान है क्योंकि इसमें शामिल है एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ सैलरी पेड, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड और अदर एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। यह ₹158 करोड़ है फाइनेंशियल 2014 में। यहाँ नोट 21 के एक्सट्रैक्ट पे एक नजर डालें जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का डिटेल देता है। यहाँ कुछ आपको सोचने के लिए है। एक कंपनी ₹3,482 करोड़ जनरेट कर रही है और केवल ₹158 करोड़ अपने एम्प्लॉय पे स्पेंड कर रही है। चाहे बोले तो सेल्स का केवल 4.5% अपने एम्प्लॉय पे खर्च कर रही है। इनफैक्ट ज्यादातर कंपनी में यही पैटर्न है, एटलीस्ट नॉन आईटी में। शायद यह आपके लिए उस एंटरप्रेन्योर ड्रीम के बारे में पुनर्विचार करने का समय है जिसे आपने सोच कर रखे होंगे। अगला लाइन आइटम है फाइनेंस कॉस्ट, चाहे फाइनेंस चार्जेज, बोरिंग कॉस्ट, कोई भी नाम हो सकता है। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट है जो एक एंटिटी पे करती है जब फंड बोरो करती है। कंपनी के लैंडर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है, लैंडर्स बैंक चाहे प्राइवेट लैंडर्स कोई भी हो सकता है। कंपनी का फाइनेंशियल 2014 में फाइनेंस कॉस्ट ₹0.7 करोड़ है। जब बाद में हम बैलेंस शीट के चैप्टर को देखेंगे तो हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे डेप्थ और इससे रिलेटेड मैटर्स पे। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसका कॉस्ट ₹64.5 करोड़ है। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को समझने के लिए हमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका एक फिजिकल फॉर्म होता है और कंपनी को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक कार, प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग इत्यादि। एक इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसका एक फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन स्टिल कंपनी को इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजेस, कस्टमर लिस्ट इत्यादि। एक एसेट टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल हैज टू बी डिप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कुछ ऐसे यूजफुल लाइफ को डिफाइन किया जा सकता है, समय जिसके दौरान एसेट कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है।
एग्जाम्पल के लिए एक लैपटॉप का यूजफुल लाइफ 4 साल हो सकता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के मदद से डिप्रिसिएशन को अच्छे से समझते हैं। shareanyidea.com एक बिजनेस आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म 1 लाख रुपीज जनरेट करता है एडवर्टाइजिंग बिजनेस से। हालांकि shareanyidea.com ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सर्वर को खरीदने के लिए 65,000 रुपये का खर्च किया। सर्वर का इकोनॉमिक लाइफ चाहे बोलते यूजफुल लाइफ 5 साल होने का उम्मीद है। अब यदि आप shareanyidea.com के अर्निंग कैपेबिलिटी को देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि एक तरफ shareanyidea.com ने 1 लाख रुपये कमाए और दूसरी तरफ 65,000 रुपये खर्च किए और इसलिए बस 35,000 रुपये बनाए, यह अर्निंग को कम कर दिया। यह डाटा करेंट ईयर के लिए है और वास्तव में यह कंपनी का वास्तविक अर्निंग कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। याद रखें, एसेट भले इस साल खरीदी गई हो लेकिन अपने यूजफुल लाइफ पर इकोनॉमिक बेनिफिट करना जारी रखता है, इसलिए एक्वायरिंग कॉस्ट को एसेट के यूजफुल लाइफ के दौरान स्प्रेड करना समझ में आता है, इसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक अपफ्रंट लमसम एक्सपेंस दिखाने के बजाय कंपनी एक एसेट के यूजफुल लाइफ के दौरान एक छोटी राशि को स्प्रेड दिखा सकती है। इसी प्रकार 65,000 रुपये सर्वर के यूजफुल लाइफ के दौरान स्प्रेड होंगे जो कि 5 साल है, इसलिए 65,000/5=13,000। हर एक साल 13,000 रुपये डिप्रिसिएट किए जाएंगे अगले 5 सालों तक। एसेट के डिप्रिसिएशन करके हम लोग अपफ्रंट कॉस्ट को स्प्रेड कर रहे हैं, इसलिए डिप्रिसिएशन गणना के बाद shareanyidea.com अब अपनी कमाई को ₹1,00,000-₹13,000=87,000 के रूप में दिखा सकता है। हम नॉन टेंजिबल एसेट के लिए एक सिमिलर अभ्यास कर सकते हैं। नॉन टेंजिबल एसेट में डिप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। नोट 23। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। shareanyidea.com ने अपने यूजफुल लाइफ पर एक एसेट एक्वायर करने की लागत को कम किया, हालांकि रियलिटी में एसेट परचेज के लिए एक्चुअल 65,000 रुपये का आउटफ्लो है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस आउटफ्लो को कैप्चर नहीं कर रहा है। आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है, एक एनालिस्ट के रूप में हमें कैश मूवमेंट का सेंस कैसे मिलेगा? वेल, कैश मूवमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट पर कैप्चर किया गया है, जिसे हम बाद के चैप्टर में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस साइड पर लास्ट लाइन आइटम अदर एक्सपेंसेस है, जो कि 434.6 करोड़ रुपीज है। यह एक ह्यूज अमाउंट है अदर एक्सपेंसेस के अंदर, इसलिए डिटेल में एक एक्सेप्शन रिजर्व करता है। यहाँ नोट से यह लगभग क्लियर हो गया है। अदर एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एक्सपेंसेस भी शामिल है। नोट में डिटेल मेंशन है, एग्जांपल के लिए अमरजा बैटरी लिमिटेड ने एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटी पर 27.5 करोड़ रुपये स्पेंड किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड पे मेंशन सभी खर्चों को जोड़ने पर ऐसा लगता है कि अमरजा बैटरी लिमिटेड ने 2,941.6 करोड़ रुपये स्पेंड किए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कटौती के बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम को रेफर करता है, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्सेस काटने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आगे बढ़ते हुए हम यह देख सकते हैं ERBL ने अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम नंबर्स मेंशन किया हुआ। सिंपली द प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ₹3,482-₹2,941.6=₹540.5 करोड़। हालांकि 3.8 करोड़ रुपये के एक्सेप्शनल आइटम चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखा रहा है, जिसे कटौती की आवश्यकता है। एक्सेप्शनल आइटम चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कंपनी के लिए एक ऑड टाइम में खर्च किए जाते हैं और कंपनी से रिकरिंग एक्सपेंसेस के रूप में नहीं देखती है, इसलिए वे इसे सेपरेटली ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा 540.5-3.88=₹536.6 करोड़। ये स्नैपशॉट प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक्सट्रैक्ट ERBL का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है आफ्टर डिडक्टिंग इट्स टैक्स लायबिलिटी। हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लास्ट पार्ट को देख रहे हैं, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बॉटम लाइन भी कहा जाता है, जिससे कि आप इस स्नैपशॉट में देख सकते हैं। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचने के लिए हमें सभी अप्लीकेबल टैक्स एक्सपेंसेस को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डिडक्ट करना पड़ेगा। करंट टैक्स दिए गए वर्षों के लिए लागू कॉर्पोरेट टैक्स है या 158 करोड़ रुपया है। इसके अलावा अदर टैक्सेस भी हैं जिसे कंपनी ने पे किया है। सभी टैक्सेस को साथ में जोड़ने पर 169.21 करोड़ रुपया हुआ है। 536.6 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से
टैक्स अमाउंट को कटौत हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 367.4 करोड़ रुपए का लाभ देता है। इसलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एप्लीकेबल टैक्सेस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लास्ट लाइन बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करता है। अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल एनालिस्ट में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों में से एक है। अर्निंग पर शेयर कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स द्वारा किए गए कार्य और मैनेजमेंट रोल के आकलन करने के लिए एक साधन के रूप में भी कार्य करता है। अर्निंग पर शेयर बहुत पवित्र नंबर है जो इंडिकेट करता है कंपनी ऑर्डिनरी शेयर से पर फेस वैल्यू कितने कमाई कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ARBL पर शेयर 21.51 रुपये कमा रहा है। इसका डिटेल में कैलकुलेशन यहाँ पे है। कंपनी इंडिकेट करता है कि मार्केट में टोटल 17,08,12,500 शेयर्स है। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर को आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हम लोग अर्निंग पर शेयर नंबर्स को निकाल सकते हैं। इस केस में 367.4 करोड़ को डिवाइड करेंगे 17,08,12,500 से तो 21.5% मिल रहा है। अब लास्ट कंक्लूजन। अब जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सभी लाइन आइटम को देखा है, आइए इसे पूरी तरह से एक रीलुक दें। उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट अब आपको अधिक मीनिंगफुल दिखना चाहिए। याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट हर एक लाइन आइटम के साथ नोट है। आप हमेशा ज्यादा क्लैरिटी के लिए नोट्स को देख सकते हैं। इस स्टेज में भी हमने केवल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है उसे समझा है, लेकिन हमें अभी भी नंबर्स का क्या अर्थ है इसका एनालिसिस करने का आवश्यकता है। हम यह करेंगे जब हम फाइनेंशियल रेशियो को देखेंगे। ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वेरी क्लोजली कनेक्टेड है अदर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जो कि है बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम इस कनेक्शन को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट को समझेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।